आज है जुमा का मुबारक दिन, गुस्ल करके तैयार हो जाता हूँ, फिर इत्र लगाता हूँ। जुमा के दिन खुशबू लगाना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। फिर सूरह कहफ की तिलावत करता हूँ। जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने की बहुत सी फजीलतें हैं और हमारे नबी फरमाते हैं कि जो सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और कुछ रिवायतों में आखिरी 10 आयतों का जिक्र है। सूरह कहफ कुरान के 15वें पारे में है। फिर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ निकल जाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था? फिर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा इफ्तहली अबवाब रहमतिक पढ़कर मस्जिद में दाखिल होता हूँ। हे मेरे रब, मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। फिर खाना खाने के बाद जब बैठता हूँ तो पेट में हलचल मचती है, तो पेट को ठंडक पहुँचाने के लिए लस्सी लेने चला जाता हूँ। अल्लाह ने दही के अंदर वो तासीर रखी है जिसे खाने से इंसान के जिस्म में ठंडक पहुंचती है। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हर एक चीज में बेशुमार फायदे रखे हैं। फिर इसका लुत्फ उठाते हुए पीता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे ये पिलाया।